नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस एजुकेशनल कंटेंट में। आज हम देखने वाले हैं सर्ड। इफ एन इज एन इंटीजर ग्रेटर देन वन एंड इफ एंथ रूट ऑफ ए इज द एक्स एंड एक्स इज द पॉजिटिव रियल नंबर देन इट इज रिटर्न एज एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू ए। एन कैसा है? ये एन इज द इंटीजर ग्रेटर देन वन, वन से ये कैसा चाहिए? ज्यादा चाहिए। एंड इफ एंथ रूट ऑफ ए इज एक्स, एंथ रूट ऑफ ए इज एक्स, देन वी कैन राइट इन द अनदर फॉर्म एंथ रूट ऑफ ए इज एक्स मीन्स उसका दूसरा मीनिंग है हमारे पास एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू ए। अभी इसमें देखिए किस प्रकार का है। एन एन इज कॉल्ड एज द ऑर्डर, इसमें क्या बोलते हैं हम, एन जो है एन को बोलते हैं हम, एन इज कॉल्ड एज ऑर्डर। उसके बाद में ये वाला जो साइन है, रूट वाला साइन है, इसको बोलते हैं हम रेडिकल साइन। और उसके अंदर में जो भी कोई नंबर रहता है, जो भी कोई लेटर रहता है, दैट इज कॉल्ड एज द रेडिकेंड, उसको बोलते हम रेडिकेंड बोलते। इसके अंदर में जो है, दैट इज हियर ए इज हियर, इसके अंदर में ए है, देयरफॉर ए इज कॉल्ड रेडिकेंड। नाउ यू टेक द वन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं अभी, देखिए रूट फाइव इज एन सर्ड, इज अ सर्ड, ये कैसा है? ये सर्ड है। अभी ये वाला जो नंबर जो है रूट फाइव इज अ सर्ड, वाई इट इज अ सर्ड, इसको सर्ड क्यों बोल रहे हैं? इसके अंदर में जो दिया है ए है, ए इज इक्वल टू फाइव, ये जैसा लिया था हमने वैसा ही है, ए इज इक्वल टू फाइव इज हियर, ए इज इक्वल टू फाइव है। ए इज इक्वल टू फाइव मीन्स कैसा है ये? इट इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, कैसा है ये? पॉजिटिव रैशनल नंबर। एंड एन इज इक्वल टू टू, एन कैसा है? ये ऑर्डर जो है ये कैसा है? टू है। स्क्वेयर रूट ऑफ 25, स्क्वेयर रूट ऑफ 5 इज हियर मीन्स क्या? टू है यहां, एन इज इक्वल टू टू, एन इज इक्वल टू टू इज ऑर्डर। एन इज द ऑर्डर ऑफ द सर्ड। और उसके अंदर में जो है ए, दैट इज द रेडिकेंड, फाइव दिया है हमको, मीन्स इट इज द रेडिकेंड एंड इट इज नथिंग बट द सर्ड, ये कैसा है? ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा कैसा है? इट इज द सर्ड मीन्स इट इज द इरेशनल नंबर, ये कैसा चाहिए हमको? इरेशनल नंबर। देयर फोर रूट फाइव इज इरेशनल नंबर। Now you see the sum of the question. State which of the following is a third. अभी नीचे में जो भी कोई question दिए है, ये कौन से third है कि third नहीं है, ये हमको अभी identify करना है, बताना है कौन सा third है कौन सा third नहीं है। Simple language में यदि आपको बताना है, जिसका nth root of a, nth root of a is equal to x means it is the third is here,
या दूसरे लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में यदि बताना है, जिसका स्क्वेयर रूट निकलता नहीं है, जिसका क्यूब रूट निकलता नहीं है, फोर्थ रूट निकलता नहीं है, इट इज इक्वल टू द सर्ड, उसको बोलेंगे हम सर्ड, जिसका निकलता नहीं है, स्क्वेयर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, सिक्स्थ रूट, इट इज कॉल्ड एज द, एंड दैट कंप्लीट इज द इरेशनल नंबर, मीन्स इट इज द सर्ड इज देयर. नाउ यू सी द एग्जाम्पल, क्यूब रूट ऑफ, एक एग्जाम्पल देखिए अभी, क्यूब रूट ऑफ 51, फिफ्थ रूट ऑफ 81, नेक्स्ट इज देखिए और, एंड आफ्टर दैट स्क्वेयर रूट ऑफ 22/7. नाउ यू सी दिस 51 के यदि हम फैक्टर निकालेंगे 17 into 3, मीन्स ये पूरा का पूरा, ऑल दीज आर द सॉर्ट, ये कैसे क्यूब रूट ऑफ 51, इट इज अ कंप्लीटली द इरेशनल नंबर आएंगे इसमें 17 into 3, दिस इज द सॉर्ट, बिकॉज द रेडिकेंड आर द पॉजिटिव रैशनल नंबर, ये वाला जो नंबर है रेडिकेंड जो है, जिसके अंदर में रहता है साइन, इट इज कॉल्ड एज द रैशनल, पॉजिटिव रैशनल नंबर, एंड द ऑर्डर इज एन इज ग्रेटर देन 1, ये कैसा है एन, मीन्स ये वाला जो है ग्रेटर देन 1 चाहिए, मीन्स इट इज द सॉर्ट. ये वाला देखिए अभी, फिफ्थ रूट ऑफ 81 के फैक्टर निकालेंगे 3 into 3 into 3 into 3, फिफ्थ रूट है, मीन्स 5 की जोड़ी चाहिए वहां, इट इज नॉट पॉसिबल, देयर फोर इट इज द सर्ड 22/7, इट इज ऑल्सो द सर्ड. सर्ड कैसे निकालेंगे हम, कैसे देखें कि कौन सा सर्ड है कौन सा सर्ड नहीं है, तो हमको ये मालूम चाहिए कि ये वाला जो नंबर है इट शुड बी ग्रेटर देन 1, ये ग्रेटर देन 1 है, ये भी ग्रेटर देन 1 है, अंदर का जो नंबर है इट इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, पॉजिटिव रैशनल नंबर है, ये वाला पॉजिटिव रैशनल नंबर है, ये वाला पॉजिटिव रैशनल नंबर, दीज आर द सॉर्ट. उसके बाद में दूसरा वाला एग्जाम्पल लीजिए अभी, फोर्थ रूट ऑफ 16, फोर्थ रूट ऑफ 16 के फैक्टर निकालेंगे हम 2 into 2 into 2 into 2, 1 2 3 4, ऑर्डर इज 4, देयर फोर ये बाहर निकलने के बाद में कैसा रहेगा, इट इज इक्वल टू द सर्ड. अभी 2 इज जो है ये कैसा है, रैशनल नंबर है, वी वांट द इरेशनल नंबर कंप्लीट, देयर फोर इट इज Not a sword. Sword नहीं है. उसके बाद भी देखिए और वाला एग्जाम्पल. Now you take the another example. It is cube root of 64. देखिए find out the factors of 64. 4 into 4 into 4, 3 है, ये भी 3 है, ये कितने है फैक्टर 3, सो इट विल बी इक्वल टू द 4. 4 देखिए ये इरेशनल है क्या, नो, देयर फोर इज नॉट अ सर्ड. Now you see the order of third. Order of third किसको बोलते हैं, देखिए अभी. Now you take the example here. It is cube root of 7. यहां का order देखिए कितना है, it is equal to 3. Therefore, order E is equal to 3. उसके बाद में देखिए 6th root of 8.
ऑर्डर कितना है देखिए, अभी इज इक्वल टू 6, स्क्वेयर रूट ऑफ 3, ऑर्डर देखिए यहां, इज इक्वल टू 3. नाउ यू सी द लाइक सर्ड. व्हाट इज लाइक सर्ड या सिमिलर सर्ड किसको बोलते हैं, हम अभी देखने वाले हैं. लाइक सर्ड किसको बोलेंगे देखिए, अभी जिनका ऑर्डर सेम है. लाइक सर्ड किसको बोलेंगे हम, जिनका ऑर्डर जो है ये सेम है. ऑर्डर कैसा चाहिए, ये ऑर्डर चाहिए सेम चाहिए. मीन्स एन जो है ये कैसा चाहिए, सेम चाहिए. उसके बाद में रेडिकेंट जो है, रेडिकल के साइन के अंदर में जो भी कोई नंबर रहता है दैट इज द रेडिकेंट इज द सेम. रेडिकेंट ये कैसा चाहिए, ये भी सेम चाहिए. नाउ यू सी द एग्जांपल, एग्जांपल देखिए अभी उसका. फिफ्टी टू स्क्वेयर रूट ऑफ 52 एंड द 5√13. ये हमको देखना है कि लाइक सर्ड है कि अनलाइक सर्ड है. नाउ यू सी हियर, इसको सबसे पहले जो भी कोई होगा उसको हमको सिंपल फॉर्म में लाना है. यू हैव टू राइट इन द सिंपल फॉर्म. देखिए अभी रूट स्क्वेयर रूट ऑफ 52, इसका फैक्टर निकालेंगे हम, कितना आएगा फैक्टर देखिए, इट इज इक्वल टू 13 × 4. यहां कितना दिया है, ऑर्डर इज 2, यहां है 4 है, मीन स्क्वेयर रूट ऑफ 4 इज 2. ये बाहर आने के बाद में हमको ये मिल जाएगा, इट इज इक्वल टू द 13. मीन्स ये स्क्वेयर रूट है तो इसके अंदर में आने के लिए हमको कितने बार लिखना पड़ेगा, दो बार लिखना पड़ेगा. मीन्स इट इज इक्वल टू द 4. ये है हमारा 2√13. इसका ऑर्डर देखिए, देयर फोर ऑर्डर इज इक्वल टू 2. उसके बाद में रेडिकेंट जो है ये कितना है, 13 है. अभी दूसरा वाला देखिए, 5√13, इसका ऑर्डर कितना है देखिए, अभी ऑर्डर इज इक्वल टू 2, रेडिकेंट कितना है, 13 है. यहां भी देखिए रेडिकेंट कितना है, 13 है, ऑर्डर कितना है, 2 है. मीन्स इट इज, भला इसके सामने वाला जो नंबर है अलग हो सकता है लेकिन रेडिकेंड और ऑर्डर जो है, ये ऑर्डर है, ये भी ऑर्डर है, ये रेडिकेंड है, ये भी रेडिकेंड है. मीन्स दीज आर द सेम, ऑर्डर इज सेम, देखो ऑर्डर भी सेम है, रेडिकेंड जो है रेडिकेंड भी सेम है. देयर फोर स्क्वेयर रूट ऑफ 52 एंड फिफ्थ रूट ऑफ 3. लाइक सर्ड किसको बोलेंगे, जिसका ऑर्डर सेम है. लाइक सर्ड जो है किसको बोलेंगे हम, जिसका ऑर्डर सेम है. ऑर्डर ये कैसा है, ये सेम है. उसके बाद में रेडिकेंट जो है, ये कैसा है, ये भी सेम है. देन एट दैट टाइम वी कैन से दैट दीज आर द लाइक टर्म्स, मीन्स लाइक शर्ड्स आर देयर. नाउ यू सी द एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखिए, स्क्वेयर रूट ऑफ 52 एंड 5√13. नाउ यू सी हियर,
स्क्वेयर रूट ऑफ 52 इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ 52 मीन्स 13 इंटू 4 इज इक्वल टू फैक्टर निकालेंगे 13 इंटू 4 के फैक्टर आएंगे हमारे 2 इंटू 2। यहां ऑर्डर कितना है 2 है, इसके बाद में ये कितना है 2 इंटू 2 दो का ग्रुप है, मीन्स ये जब बाहर आ जाएगा उनसे 2 इंटू 2 जब बाहर आ जाएगा इट विल बिकम इक्वल टू द सिंगल। देयर फोर टू इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ 13, देखिए 2 इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ 13। अभी इसको देखिए, सी दिस, इसको देखिए अभी 2 इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ 13 मीन्स इसका ऑर्डर क्या है, यहां कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, इट मीन दैट द 2 इज देयर। जब 2 रहता है तो यहां क्या रहता है, कोई भी नंबर रहता नहीं है। 3 है तो 3 दिखेगा, 4 है तो 4 दिखेगा, 5 है तो 5 दिखेगा। देयर फोर ऑर्डर इज इक्वल टू 2, रेडिकेंट कितना है 13। नाउ यू सी द नेक्स्ट, दैट इज द 52। 52 का देखा हमने, अभी देखिए कितना है 5 इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ 13, ये वाला दूसरा वाला। इसमें भी देखिए अभी ऑर्डर इज 2, रेडिकेंट कितना है 13 है, यहां रेडिकेंट कितना है 13 है। देयर फोर स्क्वेयर रूट ऑफ 52 एंड 5 इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ 13 आर लाइक सॉर्ट्स। विच आर, ये कैसे है, ये लाइक है और लाइक सॉर्ट्स। नाउ यू सी अनदर टाइप ऑफ द क्वेश्चन, दूसरा वाला एग्जांपल दीजिए, देखिए अभी रूट 68 एंड 5 इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ 3, देखिए हमको आइडेंटिफाई करना है वेदर दे आर द लाइक सॉर्ट और नॉट। देखिए अभी यहां नाउ यू राइट फर्स्ट सॉर्ट 68, इसके फैक्टर निकालेंगे हम, फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ 68, इट इज अ 4 इंटू 17, यहां ऑर्डर 2 है और यहां 4 है, मीन्स 2 इंटू 2, 4 के फैक्टर निकालेंगे हम 2 इंटू 2 इंटू 17, यहां 2 है, यहां 2 की जोड़ी है, 2 की जोड़ी होंगी तो बाहर क्या हो जाएगा, इट विल बिकम इक्वल टू सिंगल 2 इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ 17। अभी ये निकालने के बाद में देखिए अभी यू सी द ऑर्डर, यहां ऑर्डर लिखेंगे हम, देयर फोर ऑर्डर इक्वल टू द 2, ऑर्डर कितना है यह 2 है। एंड व्हाट अबाउट द रेडिकेंड, रेडिकेंड इज इक्वल टू द 17, अभी दूसरा वाला देखिए 5 इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ 3, यहां देखिए ऑर्डर इज 2, व्हाट अबाउट द रेडिकेंड,
ई इज इक्वल टू 3। अभी यहां देखिए ऑर्डर इज सेम, ऑर्डर तो सेम है यहां, यू आर सीइंग दैट द ऑर्डर इज सेम बट द रेडिकेंट दैट आर नॉट द सेम। ऑर्डर जो है सेम है, रेडिकेंट जो है ये कैसा है, ये डिफरेंट है। देयरफॉर स्क्वेयर रूट ऑफ 68 एंड 5 into स्क्वेयर रूट ऑफ 3 आर नॉट सर्ड। ये कैसे है, ये सर नहीं है। Not third और unlike third, उसको क्या बोल सकते हैं हम, unlike third। अभी दूसरा वाला एग्जाम्पल लीजिए, अगेन यू टेक द वन एग्जाम्पल। नाइनटीन इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ 12 एंड द नेक्स्ट वन इज 6 इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ 3। ये हमको देखना है वेदर दे आर लाइक सर्ड और नॉट। सी यू राइट द गिवन सर्ड एट फॉर, सबसे पहले हम गिवन सर्ड लिखेंगे 19 इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ 12। इसमें देखिए पहले यू राइट द ऑर्डर, हाउ मच इज द ऑर्डर, ऑर्डर कहां रहता है, ये रेडिकल साइन है उसके नीचे वाले पोर्शन में, इसमें बीच में रहता है। ऑर्डर इज नॉट गिवन, इट मीन दैट द 2 इज ऑर्डर, 2 इज देयर, ऑर्डर इज 2। व्हाट अबाउट द रेडिकेंट, इज इक्वल टू कितना है देखिए, ये पहले निकालेंगे हम 19 इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ 12, फैक्टर निकालेंगे के बाद में 4 इंटू 3, स्क्वेयर रूट ऑफ 4 इज द 2, सो इट इज इक्वल टू 19 इंटू 2 इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ 3, इट इज इक्वल टू कितना आएगा देखिए अभी 38 इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ 3, मीन्स ऑर्डर इज 2 एंड द रेडिकेंट इज 3। नाउ यू सी द अनदर सर्ड व्हिच इज गिवन, दूसरा वाला है हमारे पास में अभी 6√3। इसमें देखिए ऑर्डर कितना है, ऑर्डर इज इक्वल टू 2 एंड द रेडिकेंट इज गिवन 3, दोनों भी रेडिकेंट कैसे ये चाहिए हमको 3 है, मीन सेम चाहिए, ऑर्डर भी 2 चाहिए और रेडिकेंट जो है ये भी सेम चाहिए, तभी ये क्या होगा, ये लाइक सर्ड। देयरफॉर 19√12 एंड 6√3 आर लाइक सर्ड, वैसे ये लाइक सर्ड है।